लगता है डबल ट्री यानी टेरर और ट्रेड दोनों पर मोदी का जादू चल गया। अमेरिका में हाउडी शो से जो मैजिक चला वो अब भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राष्ट्रपति ट्रंप को गदगद कर दिया, उनके ही देश में उनके लिए इतनी तालियां बजवाई जितनी शायद वो पहले कभी नहीं सुने। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने ट्रंप पर भरोसा जताया, अमेरिका में बसे भारतीय समुदायों के सामने उन्हें सबसे बड़ा दोस्त बताया, उनके लिए प्रचार कर डाला। अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी ने कूटनीति ही नहीं कारोबारी रिश्तों पर भी केमिस्ट्री और सिनर्जी जोड़ी। ट्रंप की मौजूदगी में दुनिया को बताया, समझाया कि अब नया भारत कैसा है, किस तरह से बदल गया है। एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में डबल टी अप्रोच है। डबल टी यानी पहला टी ट्रेड के लिए और दूसरा टेरर के लिए। जो टेरर की बात की जाए तो आतंक के ऊपर उन्होंने जमकर हमला किया है। अब उसमें आगे क्या कहा जाए कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो आतंक से निपटने में सक्षम है। ट्रेड की बात की जाए तो ब्लूमबर्ग की समिट में उन्होंने कह दिया सीधे तौर पर निवेशकों को, कम टू इंडिया, भारत में आए निवेश करें और अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो मैं वो ब्रिज बनने के लिए तैयार हूं जो आपकी मदद करेगा। मोदी और ट्रंप की नई केमिस्ट्री का असर कॉरपोरेट वर्ल्ड पर दिखा। कल जब वो अमेरिका के सीईओ से मिल रहे थे तो ना सिर्फ फिजा बदली हुई थी बल्कि सोच और समझ भी नई दिखी। उस टेबल पे आज 42 ग्लोबल लीडर थे 20 सेक्टर्स के, और इन ग्लोबल लीडर्स की प्रेजेंस कोई 200 कंट्रीज में है। आज पूरा नेटवर्थ इनकी कंपनीज का कोई 14.5 ट्रिलियन डॉलर था उस टेबल पे जो आज था, और सबका यही कहना था कि उनको प्रधानमंत्री में बिल्कुल विश्वास था और उन्हीं के विश्वास की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में देख रहे थे और बढ़ा रहे थे। उनका ये सब क्या कहना था कि जो भी प्रधानमंत्री ने स्टेप्स लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उसकी वजह से इन सबको बहुत कंफर्ट मिल रहा है। सीईओ गदगद हैं, वो मोदी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, भारत की नई नीतियों को सही मान रहे हैं। GST of course was a big change that happened in the first Modi administration. These types of reforms will continue to make India a more attractive destination for investment, and we think that the Modi administration is absolutely focused on continuing to make those reforms in its second administration here in Modi 2.0. भारत में अमेरिका के राजदूत रहे रिचर्ड वर्मा भी भारत को लेकर उत्साह को देखकर अचंभित हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका के कॉरपोरेट जगत में पहले ऐसी पॉजिटिविटी कभी नहीं दिखी। Yeah, look, I think people are optimistic about where India is headed. There are short-term concerns, regulatory issues, ease of doing business issues. These are handled in the normal course, but I think there's general sense of optimism. प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्री पीयूष गोयल भी ट्रेड टॉक्स में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी और ट्रंप की बेहतर केमिस्ट्री से निवेश का जादू भी चल निकलेगा। पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही सफल ये यात्रा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की। जिस प्रकार से अलग अलग लोगों से मिलना हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो हमारी चर्चा हुई, सभी में जिस उत्साह के साथ मीटिंगें हो रही हैं, जिस प्रकार से लोगों के मन में एक भारत के प्रति विश्वास है कि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तेज गति देगी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे में मोदी सरकार भारी चुनौती का सामना कर रही है। नई नौकरियों का संकट है, तमाम दावों के बाद भी विकास दर 5% पर रुक गई। ऐसे में मोदी का मिशन अमेरिका काफी अहम है। एक सवाल मन में था कि भारत में अच्छे दिन कैसे आएंगे। इस सवाल के जवाब में भी एक सवाल है कि क्या भारत में अच्छे दिन अमेरिका के रास्ते आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के इस दौरे की तो इतना साफ है, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से जितनी अच्छी बातचीत हुई उसके बाद अमेरिकी निवेशकों को भारत में बुलाना, उनके लिए
हर रास्ता साफ करना, ये इशारा करता है कि भारत में अच्छे दिन का रास्ता अमेरिका से होकर गुजरने वाला है और इसके लिए हर प्रयास भारत सरकार करती दिखाई दे रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह और मेरे सहयोगी गौरव सावंत के साथ निशांत चतुर्वेदी।